बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और मैं आज सुबह ही सुबह उतर गई थी नीचे वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि टहलना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो मैं रात को टहलती हूँ खाना खाने के बाद, लेकिन आज मैं सुबह ही उतर गई थी क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। और आज जो है नाश्ते में देखेंगे क्या बनाना, अभी तो कुछ सोच ही नहीं हूँ। वैसे आज सोची थी कि पोहा बनाने के लिए, बहुत दिन हो गया था पोहा बनाए हुए, 2-3 महीना हो गया था। तो आज सब्जी रोटी नहीं बनेगी, आज हमारे यहाँ नाश्ते में बनेगा पोहा। तो पहले मैं यहाँ पे टहल लेती हूँ और फिर ऊपर चलूंगी। और आज बच्चे लोग जो है बाहर जाने का जो है प्रोग्राम भी बना रहे थे, और देख सकते हैं हवा इतनी चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे घूमने में भी। और रात को देखेंगे आज कहाँ जाना है। बहुत ज़्यादा मास बाबू जो है बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि दादा दादी लेके चलो घुमाने के लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, गाड़ी पे इतना ज़्यादा गंदगी हो रही थी तो मैं यहाँ पे तकिया रखी थी सूखने के लिए, इसको भी झाड़ लेती हूँ। और ये पायदान था, इसको भी धोना था अभी फ़िलहाल। ये जो तकिया जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था तो उसको मैंने फेंक दी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर देख सकते हैं सुबह सुबह इतना ज़्यादा बर्तन था, इतना ज़्यादा काम फैला हुआ था। और हमारी हेल्पर भी आई हुई थी, वो साथ साथ बर्तन धो धो के रख रही थी। और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी कि नाश्ते का देखते हैं क्या बना है। अभी फरहीन जो है आई नहीं थी क्योंकि ज़ारा जो है कोई हुई थी अभी, तो मैं बोली जब तक थोड़ा सा यहाँ पे बर्तन वगैरह जो धुल जाता है जब तक, फिर उसके बाद जो है हम लोग पोहा बनाएंगे। तो आप लोग देखिएगा हम लोग जो है पोहा कैसे बनाते हैं। बच्चों को भी दिया जाता है टिफ़िन में ये सब पोहा वगैरह, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं पोहा बनाना। और देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पर लाई थी चूड़ा, और साथ साथ में सेंगदाना लाई थी जो कि सेंगदाना ज़रूरी होता है। मैगी लाई थी मैंने बच्चों के लिए, और मैंने पापड़ लेके आई थी। अब कभी कभी दाल चावल जब हम बनाते हैं तो पापड़ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं पापड़ हमेशा ला के जो है ना अपने किचन में रखी रहती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है खाने के साथ। तो ये रहा चूड़ा, देख सकते हैं चूड़ा को मैंने क्या करूँगी ना, इसको मैं भिगा दूँगी एक बर्तन में। अच्छा, मैं क्या गलती कर दी थी कि ना, मैंने पोहा को जो है ना चूड़ा को भिगा के मैंने रख दी थी 2-3 सेकंड के लिए, लेकिन हमको ज़्यादा नहीं भिगाना चाहिए। ज़्यादा भिगाने से क्या है ना, हमारा जो चूड़ा है ना वो ख़राब हो जाता है, गीला हो जाता है। ख़राब मतलब गीला हो जाएगा हल्का सा, तो मेरे से थोड़ा सा गीला हो गया था आज का जो है चूड़ा, तो हल्का सा मेरा पोहा भी जो है ना वो गीला हो गया था। तो हमको तुरंत निकाल देना चाहिए, जैसे ही अगर हम भिगाते हैं ना तो हमको तुरंत निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी हेल्पर जो है वो धो रही थी नसरीन, और धो के मुझे दे रही थी। तो मेरी बड़ी वाली बहू भी साथ में थी, वो फ़ोन पकड़ रखी थी, और मैं यहाँ पे जो है चूड़ा जो है बनाने का जो है तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अब एक कढ़ाई रख दी हूँ मैं, सबसे पहले सेंगदाना को है जो है मैं लाल करके यहाँ पे निकाल लूँगी हल्का सा। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ना तेल डालना है, ना कुछ भी नहीं, बस हल्का सा फ्राई करके सूखा ही निकाल देना है। साथ साथ चाय भी बन रही थी, और एक प्लेट में मैंने प्याज, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता और खड़ा जीरा मिर्च, बस इतने ही मसाले, हरी मिर्ची मैंने जो है लगा दूंगी, इसका तड़का डाल दूंगी। तेल जो है अच्छे से गरम हो गया है, अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये लाल हो रहा है मेरा प्याज, और जब तक एक तरफ जो है चाय भी बनती रहेगी, चाय तो पोहा के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चाय मेरा जो है कलर कितना अच्छा आया है, प्याज भी एक तरफ जो है वो लाल हो रहा है, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। जब तक चाय नहीं हो ये सब चीज़ों के साथ तो मज़ा नहीं आता है। और ये है सेंगदाना को मैंने क्या की थी, पहले अच्छे से छिलका सारा हाथ से ना उसको रगड़ दी थी कि छिलका जो है अच्छे से सारा निकल जाए। तो मैंने प्याज डाली, प्याज लाल हो गया था मैंने, उसके बाद जो है चूड़ा डाल दी थी, और हल्दी, नमक और हल्की सी लाल मिर्च पिसी हुई। और अब इसको जो है हम लोग चला देंगे खूब अच्छे से, और मेरा पोहा जो है देख सकते हैं बन के एकदम रेडी हो गया है। और चाय भी साथ साथ में, चाय तो पकाने का मज़ा ही अलग है, चाय जितना पकाओ चाय उतनी ही टेस्टी बनती है। तो देखिए मेरा चूड़ा जो है बन के एकदम रेडी हो चुका है, और अब हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं।
हम लोग आ गए हैं अंदर और चलते हैं सीट देखते हैं, यहाँ पे जगह देखते हैं कहाँ पे जगह मिलती है। यहाँ तो पूरा भरा है, जैसे कि आज संडे है तो ये भरा हुआ है और यहाँ थोड़ा सा खाली है। यहाँ पे बैठने का इंतज़ाम अच्छा है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। प्लेटें जो है यहाँ पे लग गई हैं और ये देख सकती है मसाला वगैरह है। ये गिलास में जो है हरी मिर्ची डाल रखा है इन्होंने और ये रहा कटोरी, छोटी छोटी कटोरी है, मुझे लगता है ये चटनी वगैरह या सब्जी के लिए है। ये रहा प्लेट, भैया अभी प्लेट कम है, दो प्लेट और चाहिए। हाँ ठीक है, सबसे पहले ये आ गया है, देखिए ये रहा मक्खन, ये मक्खन है तो, और इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये इसके अंदर मुझे लगता है कि अचार है, ये रहा अचार, देखते हैं किस चीज़ का अचार है ये। और ये लगता है ये नींबू का अचार है और उसमें भी लगता है अचार है। और ये चम्मच है और ये भी देखते हैं कि किसका ये किस चीज़ का अचार लग रहा है, किस चीज़ का भी है, मीठा। अच्छा ये मीठा है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, खा के देखेंगे इसको। चलो अब देखते हैं, खाना आने ही वाला है, अभी तो खाना आ रहा है और अभी हम लोग जो है बैठ गए हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पे खाली प्लेट लेके बैठे हैं, सबको लगी है भूख और बस आते ही टेस्ट करेंगे खाना यहाँ का कैसा है। ये रहा मक्खन, देख सकते हैं मक्खन एकदम देखती हूँ मैं झूठे एकदम, मतलब जैसे ना पिघला हुआ घी की तरह। क्या बाबू क्या बोल रहे हो, क्या रारा खुश है, मांस फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, हैं? दिखाओ कितना है तुम्हारे प्लेट में, बहुत अच्छा। यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज और ये मांस का फ्रेंच फ्राइज, मांस तुम्हारा फ्रेंच फ्राइज दिखाओ, खा लो, इसके अंदर थोड़ा सॉस डाल दो। जारा भी फ्रेंच फ्राइज खाने में लगी है, जारा फ्रेंच फ्राइज खा रही हो, है? आलू प्याज ये किस चीज का है भैया, तेल इसमें एकदम तेल नहीं है, मतलब एकदम ऐसा है सेखा हुआ। हाँ फरीन, हाँ थोड़ा सा डालो ना इसमें मक्खन डालो। ये आ गई थाली, दो थाली, इसमें भी लच्छा पराठा वेज खाना है, ये सब देख सकते हैं आप लोग। ये रहा सलाद, ये रहा रायता, ये रहा चावल, ये गोभी की सब्जी है, ये दाल मखनी है और ये कढ़ाई पनीर है और ये गुलाब जामुन है। चलो खाना स्टार्ट करती हूँ मैं, माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। समायरा मुझे चम्मच दो। ये पिज्जा की चीज का है, चीज पिज्जा है ये, वाह। चलो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं, खा के देखते हैं, बच्चे लोग इसको ट्राई करते हैं, समायरा का बहुत मन कर रहा था खाने का। चलो समायरा उठाओ, मांस खाएगा, हाँ दे रहे हैं तुमको, दादा दे रहे हैं। जारा को भी चाहिए, जारा भी रो रही है, जारा अच्छा लग रहा है, अच्छा बना है। समायरा को तो बहुत पसंद आया, समायरा बहुत तारीफ कर रही है। बाबू तुम्हारा जाओ वहाँ पे, वो रहा देखो। चलो अब जरा से मैं भी इसको टेस्ट करूँ, मैं थोड़ा ही लूंगी, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा हाथ भी जल रहा है। चलो मैं यहीं पे रख के खा लेती हूँ, मेरी थाली अभी यहीं पड़ी है।
ये भी है, इसमें से भी ले लो थोड़ा सा। और ग्लास नहीं है? चार ग्लास लाया था ना। चलो ये रहा मेरी चाय, गर्म है, ठंडी हो जाएगी तो पीते हैं, ये लो। चलो खाना खा चुके हैं और ये आ गया है सौंफ। जैसे कि हर जगह सौंफ जो है खाने के लिए, खाने के बाद लोग खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है मीठे मीठे दाने, गोली सी, गोली सी है ये, बच्चों को तो बहुत पसंद होता है। और ये चीनी है मोटी वाली। तो चलो थोड़ा थोड़ा खाते हैं और टेस्ट भी करते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा है, खाना है किसी को? ले लो, थोड़ा थोड़ा ले लो सब लोग। मास अपने लिए कुछ सामान ले रहा था तो यहाँ पे देखिए स्टॉल लगा हुआ है, बच्चों के लिए खट्टी मिट्टी गोलियाँ हैं, यहाँ पे बहुत सारा सामान है। मास तुम क्या लिए दिखाओ? एस्ट्रोनॉट है, वाह। तो अब हम लोग ना खाना खा के जो है ना वो बाहर आ गए थे, वेज खाना खाए थे। कभी कभी वेज खाना खाने का अपना ही अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे बाबू देख सकते हैं आप लोग, हम लोग खड़े हैं इंतज़ार कर रहे हैं हमारी गाड़ी आने का। और मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म भी था। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। जो मुझे दिल से चाहते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से उन लोग का। तो आज की वीडियो बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक शेयर कॉमेंट करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।